नवादा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके रजौली की रहने वाली सानिया कुमारी के आंसू नहीं थम रहे, उसके पिता भी भावुक हुए जा रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने गुरुवार को जैसे ही 10वीं के नतीजे जारी किए और पता चला कि सानिया ने पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल किया है तो खुशी के आंसू छलक आए। सानिया को कुल 486 नंबर मिले हैं। सानिया की ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वो बहुत ही सामान्य परिवार से आती है। पिता उदय प्रसाद मिठाई की दुकान चलाते हैं और माँ किरण देवी गृहिणी हैं। सानिया अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटी है। सानिया भले ही प्रदेश की सेकंड टॉपर है लेकिन उसे अफसोस है कि मैथ में उसे 4 नंबर कम मिले हैं जबकि उसे पूरे 100 नंबर मिलने की उम्मीद थी। सानिया को यकीन था कि परीक्षा में उसका प्रदर्शन शानदार रहने वाला है। सानिया ने रजौली में ही प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर प्रोजेक्ट कन्या इंटर विद्यालय रजौली से मैट्रिक की परीक्षा दी जिसका इतना बढ़िया रिजल्ट आया। बहरहाल सानिया की उपलब्धि पर परिवार बेहद खुश है और बेटी पर गर्व महसूस कर रहा है। मैट्रिक परीक्षा में 16.48 लाख परीक्षार्थी हुए थे शामिल। आपको बता दें कि इस बार मैट्रिक की परीक्षा में 16,48,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। 17 फरवरी से 24 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा हुई थी। पूरे प्रदेश में 1,525 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे लेकिन मैट्रिक की परीक्षा के पहले दिन मोतिहारी जिले में प्रथम पाली में गणित की परीक्षा का पेपर लीक हो गया था जिसके बाद 24 मार्च को 25 सेंटरों पर मैट्रिक की फिर से परीक्षा आयोजित की गई। री एग्जाम में 19,628 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस पूरी परीक्षा का रिजल्ट गुरुवार को जारी कर दिया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।